अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ख़बरनामा और मैं हूँ माहम अब्बास। जलसा हो गया तो क्या होगा, अपोजिशन बाजी ले गई तो क्या होगा, इस्तीफ़े दे दिए गए तो क्या होगा, इंतखाबात भी दोबारा करवाए गए तो क्या होगा। जनाब बिसात अपोजिशन की ही लपेटी जाएगी, अवाम ने फैसला सुना दिया है। अब इलेक्शन हो या 2023 में, इंतखाब इमरान खान का ही होगा। गैर मुल्की जरीदे के ऑनलाइन सर्वे में 86% से ज़ायद पाकिस्तानियों ने 2023 के आम इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत के हक़ में राय दे दी। तफसीलात के मुताबिक खलीज मैगज़ीन नामी इदारे ने सोशल मीडिया वेबसाइट पर एक सर्वे किया, जिसमें सारफीन से सवाल किया गया कि 2023 में होने वाले आम इंतखाबात में किस सियासी जमात की हिमायत करेंगे। इस सवाल के जवाब में सबसे ज़्यादा 86.9% जवाब दहिंदगान ने हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के हक़ में राय दी। इस सर्वे पोल में 6.6% जवाब दहिंदगान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 4.7% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 1.8% ने जमीयत उलमा इस्लाम के हक़ में राय दी। इस सर्वे में अपोजिशन की तमाम बड़ी जमातें मजमू तौर पर 15% राय दहिंदगान की हिमायत भी हासिल नहीं कर सकी। मजमू तौर पर इस ऑनलाइन सर्वे में 42,179 सोशल मीडिया सारफीन ने अपनी राय का इजहार किया। ग्राउंड में पानी छोड़ दिया, हमारे कारकुन गिरफ्तार हो गए, जलसा करने से रोका जा रहा है। ये सर्वे देखने के बाद भी अगर जलसा करना है तो शौक़ ज़रूर पूरा करें, मगर तब्दीली कोई नहीं आएगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर भी करें। बाखबर रहने के लिए ख़बरनामा को सब्सक्राइब करें।